Hello friends, I am Saurav Angbar. Today I am discussing about a xeroderma pigmentosum disease. The xeroderma pigmentosum disease है वो हमारा जब न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर मैकेनिज्म होती है, डीएनए रिपेयर सिस्टम जो होता है, क्या होता है डीएनए रिपेयर सिस्टम, डीएनए रिपेयर सिस्टम जो होता है, डीएनए रिपेयर सिस्टम, ठीक है, उसमें एक टाइप होता है एक्सीजन रिपेयर, और एक्सीजन रिपेयर में दो टाइप के होते हैं, एक होता है बेस एक्सीजन रिपेयर और दूसरा होता है न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर, ठीक है। जब हमारा न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर मैकेनिज्म जो होती है, इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं एनईआर, जब ये फेल हो जाती है, इनके इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन है उनमें म्यूटेशन हो जाता है, तब हमारा काज होता है क्या, जीरोडर्मा पिगमेंटेशन डिजीज, ठीक है। तो जीरोडर्मा पिगमेंटेशन क्या होता है उसके बारे में पहले देख लेते हैं। तो जीरोडर्मा पिगमेंटेशन इज अ ह्यूमन डिजीज कॉज्ड बाय म्यूटेशन इन एनी वन या सेवरल न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर जीन। जो न्यूक्लियोटाइड ऑक्सीजन रिपेयर मैकेनिज्म होती है उसके रिस्पॉन्सिबल जीन होते हैं उनमें किसी एक जीन में, या जो डिफरेंट टाइप ऑफ जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनमें किसी में भी म्यूटेशन हो जाता है तो हमारा जीरोडर्मा पिगमेंटोसम डिजीज हो जाती है। जीरोडर्मा पिगमेंटोसम इज अ रिसेसिव डिजीज। कैसी डिजीज है, एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है ये, ठीक है, एंड रिजल्टिंग इन हाइपर सेंसिटिविटी टू सनलाइट। और इससे क्या हो जाता है, हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है जब हम सनलाइट में निकलते हैं, ठीक है, और यूवी लाइट इन अ पार्टिकुलर, जब हमारी बॉडी पर यूवी लाइट पड़ती है तो उससे हमें बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है, और उससे हमारे अंदर होता क्या है कि जब हमारे बॉडी के ऊपर यूवी लाइट पड़ती है तब हमारा क्या होता है, थायमिन डाइमर बन जाते हैं। जब थायमिन डाइमर बन जाते हैं वो हमारे वल्की लीजेंस बनाते हैं डीएनए में, जिससे वहां पर डीएनए क्या होता है कंप्लीटली एसोसिएट नहीं हो पाता सही से, और वहां पे बेस पेयरिंग डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है, आगे की प्रोसेस भी डिस्टर्ब हो जाती है, जिससे डीएनए डैमेज बोलते हैं, ठीक है। तो द डिफिशियंसी रिजल्ट्स, जब इसकी डिफिशियंसी होती है तो क्या होता है, स्किन डिसऑर्डर हो जाते हैं, जब जैसे कि जो हमारा न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर मैकेनिज्म, अगर ये ना हो तो थायमिन डाइमर बनेगा यूवी लाइट जब पड़ेगी, ठीक है, तो उससे डिजीज क्या क्या कास हो सकते हैं, स्किन डिसऑर्डर एंड कैंसर प्रीडिपोजिशन, कैंसर भी होने लगता है, स्किन डिसऑर्डर होने लगता है, ठीक है। इसके सिम्टम्स आगे देख लेंगे, जीरोडर्मा पिगमेंटेशन के सिम्टम्स क्या क्या हैं, ठीक है। द डिजीज इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑक्सीजन रिपेयर। किसकी वजह से होती है, जब हमारा न्यूक्लियोटाइड ऑक्सीजन रिपेयर मैकेनिज्म की डिफिशियंसी हो जाती है, दैट मींस एक्सपी पेशेंट्स कैन नॉट एक्सरसाइज पाइरिमिडीन डाइमर्स। जो पाइरिमिडीन डाइमर, जैसे हमने की बताया, मोस्टली अगर जो डाइमर है वो है थायमिन डाइमर। थायमिन डाइमर कैसे बनता है वो भी आगे भी बता दूंगा। तो थायमिन डाइमर जैसे ही बनता है, यूवी लाइट पड़ती है उसकी वजह से थायमिन डाइमर बनता है, ठीक है, जिससे हमारा बल्कि लीजेंस बन जाते हैं डीएनए में, और वहां पे फिर डीएनए का रेप्लिकेशन या डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन वो आगे नहीं होता है, ठीक है, जिससे हमारा काज क्या हो जाता है, जीरोडर्मा पिगमेंटोसम नामक डिजीज काज हो जाती है, ठीक है। इसके बाद आता है म्यूटेशन अकर इन, देखो इन्हीं जो पांच पॉइंट है इन्हीं कंप्लीट बात बोल दी है और आगे मैं समझा दूंगा। म्यूटेशन अकर इन वन ऑफ एट जीन्स कॉल्ड एक्सपी एंड एक्सपीजी, ऑल व्हिच आर इनकोड प्रोटीन इन्वॉल्वड वेरियस स्टेज ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑक्सीजन रिपेयर मैकेनिज्म। एक्सपीए टू एक्सपीए से एक्सपीए एक्सपीजी तक जीन्स इन्वॉल्व होते हैं, अगर इनमें किसी में भी म्यूटेशन हो जाता है तो हमारा न्यूक्लियोटाइड ऑक्सीजन रिपेयर मैकेनिज्म काम नहीं करेगा, और उससे हमारा क्या कॉज होगा, जीरोडर्मा पिगमेंटोसम डिजीज काज होगा। जैसे कि हाउ टू फॉर्म थायमिन डाइमर्स, तो देखो जैसे कि ये थायमिन है, ये थायमिन न्यूक्लियोटाइड है, जैसे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पड़ता है तो ये बना लेते हैं थायमिन डाइमर, ये थायमिन डाइमर बन गया, जिसको इसने यहाँ पे बेस पेयरिंग कर ली थायमिन, इसने कार्बन नंबर, इस कार्बन नंबर ने और इस कार्बन नंबर ने, इस कार्बन नंबर है और इस कार्बन नंबर, ठीक है, तो यहाँ पे एक चैन बन जाती है जिसे बोलते हैं साइक्लोब्यूटेन चैन बन जाती है थायमिन डाइमर में, ठीक है। तो ये थायमिन डाइमर क्या करता है, डिस्टॉर्ड डुप्लेक्स को डिस्टॉर्ड कर देता है, और इसे करेक्ट किसके द्वारा करते हैं, फिर हम
न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन मैकेनिज्म रिपेयर के द्वारा इसे हम करेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने बोला जो जीरोडर्मा पिगमेंटोसम डिजीज है वो ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस है। तो हाउ टू, जैसे क्या है, बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि इसका कोई भी इंडिविजुअल अफेक्टेड हो, बिकॉज ऑफ, अगर फॉर एग्जांपल हम कैरियर फादर लेके चल रहे हैं और कैरियर मदर लेके चल रहे हैं, ठीक है, कैरियर फादर का, कैरियर मदर का जब हम क्रॉस कराएंगे तो हमें जो चाइल्ड मिलेंगे ओनली 25% चाइल्ड आर अफेक्टेड। ठीक है, मतलब कि अगर चार बच्चे हुए, चार में से ओनली एक बच्चे में चांस है होने का क्या, इस जीरोडर्मा पिगमेंटेशन का, तो इसका बहुत कम चांस होता है डिजीज होने का। ठीक है, लेकिन दो कैरियर होंगे और एक अनअफेक्टेड होगा। आफ्टर दिस कॉमन जीरोडर्मा पिगमेंटोसम सिम्टम्स, देखो नंबर एक, थिनिंग स्किन, स्किन की थिनिंग होने लगती है, पोटेंशियल स्किन कैंसर एज अर्ली एज 4। ठीक है, इसके बाद पेनफुल सेंसिटिविटी ऑफ लाइट, लाइट में निकलोगे तो पेन, बहुत ज्यादा इरिटेशन स्किन में स्टार्ट हो जाती है, ड्राई एंड रेड इरिटेटेड आईज, ड्राई और रेड इरिटेटेड आईज होने लगती है, डार्क एंड लाइट पैचेस ऑन द स्किन, स्किन पे जो डार्क एंड रेड पैचेस पड़ने लगते हैं। ठीक है, इसके बाद विजुअल ब्रोकन एंड ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो ये हमारे इसके सिम्टम्स हैं। आफ्टर दिस, मतलब जो हमारा न्यूक्लियोटाइड ऑक्सीजन रिपेयर मैकेनिज्म है उसमें इन्वॉल्व होने वाले जीन कैसे, उस जैसे हमारा थायमिन डाइमर बना, सॉरी थायमिन डाइमर बना, अब उसको कैसे रिपेयर करेंगे, उसको हम करते हैं न्यूक्लियोटाइड ऑक्सीजन रिपेयर मैकेनिज्म के द्वारा। तो जैसे फर्स्ट है वो है, दो टाइप के यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड ऑक्सीजन रिपेयर मैकेनिज्म चलते हैं, एक होता है ग्लोबल जीनोम रिपेयर मैकेनिज्म, एक होता है ट्रांसक्रिप्शनल कपल्ड रिपेयर मैकेनिज्म। ठीक है, तो एक प्रोटीन होती है एक्सपीसी, एक्सपीसी क्या करती है, रिकॉग्नाइज करती है डैमेज एनीवेयर इन द जीनोम, जीनोम में कहीं पे भी डैमेज, जैसे फॉर एग्जांपल कहीं कहीं पे भी थायमिन डाइमर होगा यूवी लाइट के द्वारा, कहीं पे भी अगर थायमिन डाइमर बना होगा तो एक्सपीसी प्रोटीन जो है वो उसे रिकॉग्नाइज कर लेगी। आफ्टर दिस एक्सपीवी एंड एक्सपीडी बोथ हैव अ हेलिकेज एक्टिविटी। अब जैसे कि यहाँ पे क्या है, ये एक्सपीडी दे रखा है, ठीक है, एक्सपीडी जो है उसके पास क्या है, क्योंकि जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड एच जो होता है उसके दो, उसके पास दो हेलिकेज एक्टिविटी होती है, एक होती है एक्सपीवी एंड एक होती है एक्सपीडी। ठीक है, तो जो एक्सपीवी जो होती है वो ड्यूरिंग द, जब हमारे प्रमोटर पे इनिशिएशन कराना होता है ट्रांसक्रिप्शन, वहां पे कराता है बबल फॉर्मेशन, लेकिन एक्सपीडी जो हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है न्यूक्लियोटाइड ऑक्सीजन रिपेयर मैकेनिज्म में बबल बनाने के लिए। ठीक है, तो एक्सपीडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूक्लियोटाइड ऑक्सीजन रिपेयर मैकेनिज्म। ठीक है, तो इसके पास हेलिकेज एक्टिविटी होती है, जैसे ही हमारा एक्सपीसी बाइंड करेगा और ये हेलिकेज एक्टिविटी इस पे वो रहेंगी। ठीक है, और आरपीए प्रोटीन एक्ट एज अ, जैसे कि प्रोकैरियोटिक में होती है एसएसबी सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, तो यूकैरियोट्स में होती है आरपीए प्रोटीन, आरपीए प्रोटीन स्ट्रैंड पे बाइंड लेती है, फिर से इनका पेयरिंग नहीं होने देती है। ठीक है, आफ्टर दिस एक्सपीजी एक्सपीएफ एंड ईआरसीसी1, देखो ये जो होते हैं इनके पास होती है एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल जैसे ही हमने यहाँ पे देखो एक्सपीडी बाइंड किया और एक्सपीवी बाइंड किया, ये क्या करेंगे, यहाँ पे हेलिकेज के द्वारा पहले क्या हुआ, एक्सपीसी आई, एक्सपीसी ने रिकॉग्नाइज किया थायमिन डाइमर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ गए एक्सपीडी और एक्सपीवी। ठीक है, जो किसके पार्ट है, जो पार्ट है सब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड एच के। ठीक है, तो इसके द्वारा इन हेलिकेज एक्टिविटी के द्वारा इसको खोल लिया गया डीएनए को। ठीक है, अब इस डीएनए में बबल फॉर्म हो गई, अब जहां पे डैमेज है उस स्ट्रैंड्स को हमें निकालना है, तो यहाँ पे आते हैं फिर एक्सपीजी एंड एक्सपीएफ। एक्सपीजीएफ और एक्सपीजी जो होते हैं वो यहाँ पे एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है, तो वो यहाँ पे निक क्रिएट करेंगे, और निक क्रिएट करने के बाद यहाँ से ये स्ट्रैंड बाहर निकल जाएगी। ठीक, ये स्ट्रैंड बाहर निकल जाएगी, अब हमारे पास आ जाते हैं फिर लाइगेज 3। पहले तो हमारा डायरेक्ट लाइगेज नहीं आएगा, पहले हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज आएंगे, एप्सिलॉन या डेल्टा में से कोई एक आएगा। ठीक है, वो पहले सिंथेसाइज करेगा स्ट्रैंड्स को, उसके बाद लाइगेज एक्टिविटी काम करेगी, उसको जोड़ने के लिए लाइगेज 3 या XRCC1 इन्वॉल्व इन लाइगेशन, और हमारा वहां पे डीएनए रिपेयर हो जाएगा। लेकिन हमारा जीरोडर्मा पिगमेंटेशन क्या है, अगर इनमें किसी भी जीन में एक्सपीसी एक्सपीवी एक्सपीडी एक्सपीजी एक्सपीएफ इन किन्हीं भी जीन में हमारा कोई म्यूटेशन होता है, तो इससे हमारा जो न्यूक्लियोटाइड ऑक्सीजन मैकेनिज्म है वो नहीं चलेगी,
और न्यूक्लियोटाइड ऑक्सीजन रिपेयर मैकेनिज्म नहीं चलेगी तो वो हम डैमेज सही नहीं कर सकते, तो थायमिन थायमिन डाइमर बनेगा, जिससे जो डिजीज कॉज होती है वो होती है जीरोडर्मा पिगमेंटोसम। ठीक है, ये हमारा था जीरोडर्मा पिगमेंटोसम के बारे में। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू फ्रेंड्स। अगले वीडियो में हम किसी और डिजीज के बारे में बात करूंगा। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स।